students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our poem that is the Tale of Custard the Dragon. And this poem is taken from your class 10th NCERT First Flight book. Clear students, in previous video, that is part 1 video of this poem, we have already read about half of the poem. Clear, I hope you all have watched that part of the video. आज हम जो हमारी remaining poem रह गई है इस video में हम उसे complete करेंगे. So hurry up, open your books. First flight poem, the tale of custard that dragon. यहाँ तक हमने देखा क्या था कि एक girl होती है जिसका name है Belinda, ठीक है, छोटी सी बच्ची है और उसके पास जो है उसके क्या है, उसके टॉयज हैं जिसमें कौन है, इंक है, ब्लिंक है, ठीक है, मस्टर्ड है. इंक ब्लिंक कौन है, उस कैट, माउस, मस्टर्ड जो है उसका डॉग है, ठीक है, कस्टर्ड जो है ड्रैगन है, ये सब जो है उनके पास है. बट कस्टर्ड जो है वो हमेशा अपने लिए एक क्या मांगता रहता है, एक नाइस सेफ केज मांगता रहता है. क्लियर. और अब होता क्या है, एट लास्ट कोई पायरेट होता है जो कि विंडो से चढ़ करके ऊपर की तरफ आ रहा होता है. So let's read. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held his in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब यहाँ पर जो है पायरेट की फिजिकल अपियरेंस को शो किया गया है. पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन इज राइट, कि जो पायरेट है उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल है और राइट हैंड में भी पिस्टल है. क्लियर. और उसके जो टीथ है वो कैसे है, उसके टीथ जो है वो बिल्कुल ऐसे जैसे ब्लेड है उसके पास, ठीक है, जो ब्लेड है उसके पास. हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, और उसकी बियर्ड कैसी है, उसकी बियर्ड है बिल्कुल ब्लैक कलर की, और उसने टीथ में जो है बिल्कुल ब्लेड की तरह कुछ चबाए हुआ है, दांतों में रखे हुआ है, चबाए नहीं दबाए हुआ है, वो कुछ दांतों में रखे हुआ है. क्लियर. वन लेग वॉज वुड, और उसकी वन लेग कैसी है, वुड की है, यानी कि लकड़ी की है. तो अब आप जो है एज्यूम कर सकते हो कि पायरेट है वो किस तरह का होगा, उसकी वन आई जो है वो कवर अप होगी, ठीक है, उसके दोनों हैंड में पिस्टल है. क्लियर. और उसने जो टीथ है उसके अंदर जो है कुछ शार्प ऑब्जेक्ट जो है उसे दबा करके रखा हुआ है, उसकी ब्लैक कलर की बियर्ड है, उसकी वन लेग वुड की है. क्लियर. इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, तो उसके फिजिकल अपियरेंस को देख करके साफ क्लियर हो रहा है, पता लग रहा है कि उसका जो इरादा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. बिलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर फ्लेड विद द टेरिफाइड येल. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड. तो अब यहां पर होता क्या है, बेसिकली जो इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड है, ठीक है, और बिलिंडा है, इन सबको ब्रेव बताया हुआ है. क्लियर. बट अब यहां पर होता क्या है कि जो कैट इंक है यानी कि जो कैट है वो क्या करती है, वो भाग करके नीचे चली जाती है, और जो माउस है, ठीक है, जो ब्लिंक है यानी कि जो माउस है वो अपने माउस होल में चला जाता है. माउस होल आपने देखा होगा, जो बॉल के अंदर जो छोटा सा होल होता है उसे यहाँ पर माउस होल बोला गया है, ठीक है, टॉम एंड जेरी में भी आपने देखा होगा. नेक्स्ट इज बिलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प. पेल्ड मीन्स पीला पड़ जाना, पीला का पड़ते या तो किसी बीमारी के कारण या फिर डर के कारण. बेसिकली यहाँ पर जो बिलिंडा है वो डर के कारण उसका फेस पीला पड़ गया और वो चिल्ला रही है हेल्प हेल्प. क्लियर. और जो मस्टर्ड है वो भी चिल्ला करके वहां से भाग जाता है. तो यहाँ पर बताया गया है कि वैसे तो ये सब अपने आप को ब्रेव समझते थे, पर जैसे ही पायरेट आया ये उन सबको देख करके डर गए और भाग गए. क्लियर. बट अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कस्टर्ड है, जो कि ड्रैगन है, वो क्या करता है. बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन विद द क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जेंगली स्पर, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ बोम. तो इसमें जो है कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है, उनके मीनिंग देख लेते हैं. स्नोटिंग, स्नोटिंग का मीन्स होता है सडन एक्सप्लोसिव साउंड थ्रू नोज. नोज से जो सडन एक्सप्लोसिव साउंड होती है
होती है उसे बोला जाता है स्नोर्टिंग, लाइक खराटे भी आपने देखे होंगे, ठीक है, नोज से जो साउंड होती है उसे बोला जाता है स्नोर्टिंग। क्लैश्ड, क्लैश्ड का मीन्स होता है लड़ाई करना। फाउल, डंजन, डंजन का मीन्स होता है अंडरग्राउंड प्रिजन, ठीक है, बेसिकली जेल। क्लैटर क्लैंक, क्लैटर क्लैंक मीन्स साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर गिरे। फॉर एग्जाम्पल बर्तन देखे हो कि आपने किचन में बर्तन एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, ठीक है, तो जो साउंड होती है उनके गिरने से जो साउंड होती है उन्हें बोला जाता है वो क्लैटर क्लैंक। क्लैटर क्लैंक मीन साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर, जब वो एक दूसरे पर गिरते हैं तो आवाज आती है। नेक्स्ट इज जैंगलिंग स्क्वर्म, जैंगलिंग स्क्वर्म का मतलब है मेकिंग साउंड ट्विस्टिंग बॉडी, जब हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, नेक को ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, अपनी कमर को ट्विस्ट करते हैं, तो जो साउंड होती है उसे बोला जाता है जैंगलिंग स्क्वर्म। और ठीक है, तो ये थे इसके डिफिकल्ट वर्ड्स, अब देखते हैं। बट अब जंप्ड कस्टर्ड स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन, तो अब यहाँ पर कस्टर्ड क्या करता है, बिल्कुल पायरेट के सामने जा करके, जो कि ड्रैगन है, पायरेट के सामने जा करके जंप करता है और ऐसी आवाज करता है जैसे इंजन की आवाज होती है। आपने देखा होगा इंजन की आवाज कितनी तेज होती है। क्लियर। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन, और अपनी टेल को ऐसे क्लैश करता है जैसे आपने देखा होगा जो प्रिजन में जो बार्स होते हैं, आयरन बार्स उनके खुलने की जो आवाजें आती हैं कितनी ज्यादा होती है, कितनी तेज होती है, उस तरीके से वो अपने टेल को लेकर के उससे बिल्कुल ऐसे मारता है, फाइट करता है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जेंगलिंग स्क्वर्म, और क्या होता है, और वो ही वेंट एक पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ होम। रोबिन एक बर्ड होता है जो कि वोम यानी कि अर्थ वोम को खाता है। रोबिन जिस तरीके से अर्थ वोम के ऊपर ऐसे जिस तेजी से अर्थ वोम को देख करके वो खाती है, उसी तेजी से जो हमारे यहाँ पर कस्टर्ड है वो उससे जो है बिल्कुल उसके ऊपर पायरेट के ऊपर ऐसे लपका जैसे रोबिन बर्ड जो है वो अर्थ वोम के ऊपर लपकती है। क्लियर। उसी तेजी के साथ वो पायरेट पे लपका। द पायरेट गेट एट बिलिंडास ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, ही फायर्ड टू बुलेट्स बट दे डिडंट हिट एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। तो यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, दैट इज गल्प, गल्प मीन्स स्वेलो कर जाना, किसी को निगल जाना, खा जाना। फ्लैगन मीन्स कंटेनर दैट इज मेड ऑफ सिल्वर, जो कि सिल्वर का बना होता है और उसके अंदर जो ड्रिंक रखी होती है, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा सिल्वर का कंटेनर होता है उसके अंदर जो ड्रिंक होती है उसे बोला गया यहाँ पर फ्लैगन। क्लियर। द पायरेट गैप्ड एट बिलिंडास ड्रैगन, गैप्ड मीन्स बिल्कुल एक शॉक्ड हो जाना, ऐसे होता है ना एक शॉक के मारे ऐसे मुंह खुला का खुला रह जाना, ऐसे मुंह खुला का खुला रह जाना। क्लियर। स्टेयर विद योर ओपन वाइड माउथ, क्लियर, स्टेयर विद योर ओपन वाइड माउथ, शॉक जब हम हो जाते हैं उसे बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है उसे देख करके बिलिंडा का जो मुंह है वो बिल्कुल ऐसे, पायरेट को देख करके बिलिंडा का मुंह बिल्कुल ऐसे ओपन, बड़ा का बड़ा खुला रह गया। क्लियर। द गल्प्ड सम ग्रोग, ग्रोग, ग्रोग यहाँ पर ड्रिंक है फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो अपनी पॉकेट में रखी हुई जो ड्रिंक है उसे लेता है, उसे जो है थोड़ी सी पीता है, और वो क्या करता है, वो टू बुलेट्स भी चलाता है बट दे डिडंट हिट, बट वो जो है कस्टर्ड को बिल्कुल भी हिट नहीं करती, और कस्टर्ड क्या करता है, कस्टर्ड जो है वो उसे पूरा का पूरा निगल जाता है, पूरा का पूरा खा जाता है। क्लियर। बिलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम मस्टर, अब यहाँ पर जो है कस्टर्ड ने अपनी पूरी वो दिखाई, बहादुरी दिखाई, वो पायरेट से लड़ा, उसे बिल्कुल मार करके खा गया। क्लियर। अब जो है बिलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। एम्ब्रेस मीन्स टू हग, किसी को गले लगा लेना। क्लियर। और मॉर्न मीन्स होते टू फेल सोरी, ओके, और ग्ली मीन्स डिलाइटफुल हैप्पी, एंड गायरेट मीन्स डांस करना, नाचना।
तो अब यहाँ पर जो उन्होंने देखा कि कस्टर्ड ने कैसे उसे निगल लिया, खा लिया, तो बिलिंडा जो है वो उसे बिल्कुल हग कर रही है, अच्छे से गले लगा रही है, और मस्टर्ड जो है वो उसे लिक कर रहा है, ठीक है। और कोई भी जो है उसके ऊपर की पायरेट को मार दिया, जो विक्टिम है उसके ऊपर कोई भी जो है सॉरी फील नहीं कर रहा। इंक एंड ब्लिंक माउस और जो कैट है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं, मजे से डांस कर रहे हैं अराउंड द ड्रैगन दैट टेक द पायरेट। ड्रैगन के चारों तरफ, ड्रैगन को ने कस्टर्ड के चारों तरफ जिसने पायरेट को मार करके खा लिया, क्लियर। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लीगल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been three times as brave with him. And Custard said, I quite agree that everybody is brave than me. अब होता है ना जब सिचुएशन, जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन से निकल जाते हैं तो ऊपर से लोग आते हैं, अरे यार मैं होता तो मैं तो ये कर देता, मैं तो तर से भी ज्यादा लड़ लेता, उसको ऐसे मार देता वैसे मार देता। तो सेम यहाँ पर जो है वो आ गया, बिलिंडा भी आ गई है, ठीक है, और कौन आ गया, और मस्टर्ड भी आ गया, इंक ब्लिंक भी आ गए हैं। तो वो बोल रहे हैं कस्टर्ड को कि अगर भाई हम होते ना यहाँ पर, अगर मेरे को सिचुएशन समझ में आ गई होती, मैं तो इतनी टू टाइम्स ज्यादा इसको मारता या फिर थ्री टाइम्स ज्यादा पावरफुल दिखाता अपने। तो अब यहाँ पर जो बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब यहाँ पर लिटिल डॉग जो मस्टर्ड है वो बोलता है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रीफ इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड मीन्स होते कंफ्यूज होना या अपसेट होना। तो अब यहाँ पर मस्टर्ड कह रहा है कि अगर मैं कंफ्यूज ना हुआ होता ना तो मैं जो है बिल्कुल ट्वाइस जो तुमसे भी दो गुना ज्यादा ब्रेव दिखाता अपनी। एंड अब स्पोक इंक एंड अब स्पोक ब्लिंक, अब इंक और ब्लिंक कैट और माउस है वो बोल रहे हैं, वी वुड हैव बीन थ्री टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक। अगर ये सारी सिचुएशन हमें समझ में आ गई होती तो हम जो थ्री टाइम्स जो है उसे अपनी ब्रेवरी दिखाते। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेव देन मी। अब जो है यहाँ पर कस्टर्ड कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, मैं मानता हूँ कि हर कोई जो है वो मुझसे ज्यादा ब्रेव है। अब यहाँ पर देख लो कि कस्टर्ड जो है वो उनके साथ हम्बल है, ठीक है, या फिर सरकास्टिकली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कस्टर्ड वो उन्हें बता रहा है कि हाँ हाँ ठीक है, मान लिया कि तुम जो है मेरे से जो है कई ज्यादा ब्रेव हो, कई ज्यादा बहादुर हो, सरकास्टिकली भी बोल सकते हो आप यहाँ पर कि मस्टर्ड बोल रहा है और हम्बली भी बोल रहा है। नेक्स्ट, बिलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड ड्रैगन एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। तो अब यहाँ पर बिलिंडा जो है वो अभी भी अपने छोटे से व्हाइट हाउस में रह रही है और उसके साथ उसका ब्लैक कलर का किचन, ग्रे कलर का माउस, येलो कलर का डॉग और रेड कलर का वैगन रह रहा है, ठीक है, बिल्कुल उसके साथ अभी भी वो रह रहे हैं। बिलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। अब बिलिंडा जो है वो बिल्कुल एज अ ब्रेव है जैसे बैरल फुल ऑफ बियर्स, और इंक ब्लिंक जो माउस है और जो कैट है वो भी बिल्कुल लॉयंस डाउन द स्टेयर्स की उसको भी भगा दे, इतने ज्यादा ब्रेव है। और मस्टर्ड भी इतना ज्यादा ब्रेव है जैसे रेज, टाइगर की रेज होती है उतने जितना, बट कस्टर्ड जो है वो अभी भी अपने लिए नाइस सेफ केज मांग रहा है, ठीक है, जो ड्रैगन है वो भी अपने लिए नाइस सेफ केज मांग रहा है, उसके लिए रोता है। तो स्टूडेंट ये पोएम आपकी यहीं फिनिश हुई, क्लियर। तो बेसिकली इस पोएम से हमने क्या सीखा कि हमें किसी के भी बिहेवियर को लेकर के हमेशा हमें उसे जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, किसी की भी बिहेवियर को देख करके हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस पोएम में हमने देखा कि बहादुरी, जब टाइम आया अपनी बहादुरी शो करने का तो किसने बहादुरी दिखाई, कस्टर्ड ने बहादुरी दिखाई, क्लियर। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, बेसिकली ये जो पोएम वो बैलेड है। बैलेड क्या होता है, एक ऐसी स्टोरी है ऐसा सब जिससे हमें स्टोरी का पता लगता है। तो यहाँ पर हमें किसकी स्टोरी का पता लगा, कस्टर्ड की, और पोएम का नेम भी है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। टेल मीन्स स्टोरी, क्लियर। तो स्टूडेंट ये थी कि
हमें किसी को भी उसके बिहेवियर से जज नहीं करना चाहिए, उसके बिहेवियर से अंडर एस्टिमेट उस पर्सन को नहीं करना चाहिए। तो ये थी आपकी पोयम जिसमें हमने कस्टर्ड जो कि ड्रैगन है उसकी स्टोरी पढ़ी। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हुई होगी और समझ में भी आई होगी। तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।